हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन टू सरोसर एकेडमी, मायसेल्फ सरोज कुमार। तो पहले जमी कि आपने समस्त जानते कि आमर आरंभ बैच को लॉन्च कराई था, जोटा कि कंप्लीटली फ्री फाउंडेशन कोर्स था फॉर आमर जो अपकमिंग OSSE PEO एंड JEE एग्जाम में जाऊँगी। तो से क्लास रो सीरीज रे आमे स्टार्ट करते आप जीके क्लास। तो आज आम देखा जीके रो क्लास नंबर 4 एंड आज क्लास वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कौन पाई ना आज क्लास में कवर अप करवा हिस्टोरिकल इवेंट्स जोटा कि आपंकर मॉडर्न हिस्ट्री रो पार्ट 1। ओके, सो मॉडर्न हिस्ट्री आम आज पार्ट 1 देखा हिस्टोरिकल इवेंट। तो मॉडर्न हिस्ट्री आज फाइनली स्टार्ट करदे जोटा कि आपंकर सिलेबस देखिए फर्स्ट बीट्रे अच्छे आपंकर सिलेबस जब आप थी तो आपको सिलेबस फर्स्ट बीट्रे दिखाई जोटा कि अच्छे आप हिस्टोरिकल इवेंट डेट पर्सनालिटी एंड प्लेसेस। ओके, तो देखा चलत आज क्लास में कौन कौन इंपोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह अच्छी एंड आपको क्वेश्चन एंड तार कंप्लीट डिटेल्स सबकि PDF रे प्रोवाइड कर दे। क्वेश्चन अच्छे आम तार डिटेल्स आपको एटी सेठी खोजापी पड़े ना खातार नोट करने पड़े ना डिटेल एवरीथिंग पूरा ही PDF रे आपको अवेलेबल अच्छी। ओके, तो देन चलत लेट न कर आज क्लास को आम स्टार्ट करवा एंड जब आप क्लास PDF पाइबा चाहते तो PDF आपको आम टेलीग्राम ग्रुप सरोसर एकेडमी मिल जाव जार लिंक मुझको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे। ओके, तो देन चलत आज क्लास को आम स्टार्ट करवा। तो देखा फर्स्ट क्वेश्चन कौन कौन। ओके, फर्स्ट आम क्वेश्चन देखा देन तापर आम डिस्क्रिप्शन उपरको जीवा। सो फर्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना ह्विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड पोस्टेज स्टाम्प इन इंडिया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तेल पोस्टेज स्टाम्प इंडिया रे को गवर्नर बाहर करते लॉर्ड डेलहाउसी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, तो देन चलत फर्स्ट क्वेश्चन आंसर देखा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर कौन है ना यार आंसर हूँ लॉर्ड डेलहाउसी। तेल किए बाहर करते ना लॉर्ड डेलहाउसी बाहर करते। एक्सप्लेनेशन देखा कौन कौन। ओके, तो चलते वर्तमान में डिटेल देखा कि यार एक्सप्लेनेशन कौन हम। तो एक्सप्लेनेशन देखो कौन कौन फर्स्ट कौन कहला ना ऑल्दो द इंडियन पोस्ट ऑफिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1837। ताले मते एठो गोटे क्वेश्चन मिलगला कि इंडियन पोस्ट ऑफिस रो एस्टैब्लिशमेंट केबे हितला ना सर 1837 नहीं हितला। ओके, तो एटा गोटे मु एक्स्ट्रा क्वेश्चन एटू पाई गले। अच्छा, नेक्स्ट कौन कहूँ एशियाज फर्स्ट एडहेसिव स्टैंप द सिंड डॉक वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1852। ओके, ताले किए करते ना सिंडी डॉक जने थिले जे कि इंट्रोड्यूस करते के 1852 रे बाय सर बाटली फ्रीरी। ओके, सर बाटली फ्रीरी किए थे ना द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज एडमिनिस्ट्रेटर। ये किए थे ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थे किए थे ये एडमिनिस्ट्रेटर थे। ओके, ऑफ प्रोविंस ऑफ सिंध कोटकार को प्रोविन्सेस ये थे सिंध प्रोविन्सेस ये थे। द फर्स्ट स्टाम्प वैलिड फॉर पोस्टेज थ्रू आउट इंडिया वेयर प्लेस्ड ऑन सेल इन अक्टोबर केवे आसला अक्टोबर 1854। ताले प्रथम थर पाई सेल रे केवे आसला ना अक्टोबर मास केवे ना 1854 1854 अक्टोबर रे प्रथम थर सेल करिया पाई आसीतला। वर्तमान देखा वैल्यू वैल्यू केते थिला सेतले अणा पैसा चलतला ना आठना चारणा एमती थिला तले केते ना 1.5 अणा रे चलतला एक अणार थिला दुई अणार थिला चार अणार थिला। ओके, चारणा आठना एमती कह जाए ना दुई अणा तले एई अनुसार हमको स्टाम्प गुडा को प्रोवाइड कराउथला। ओके, सो फर्स्ट स्टाम्प के करथले ना येले लॉर्ड डेलहाउसी। ताले कंप्लीट होगा आम एगेन क्वेश्चन टाक जाइए देखीद कि क्वेश्चन कौन कहला ना ह्विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस पोस्टेज स्टाम्प इन इंडिया। ताले स्टाम्प किए करते ना लॉर्ड डेलहाउसी आमर ऑप्शन 1 होगा करेक्ट। ओके, जब आम क्वेश्चन नंबर 2 को सो सेकंड क्वेश्चन कौन कौन देखा ना द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन बिटवीन कोलकाता एंड आग्रा वाज ओपेंड इन। ताले प्रथम टेलीग्राफ लाइन कौटू कोलकाता आग्रा ये केबे ओपेंड होता यहाँ। ओके, तो चलते आंसर चेक करवा एंड एक्सप्लेनेशन देखा तो केबे लॉन्च कराई ना 1853 रे केबे करा गला 1853। एक्सप्लेनेशन देखा कौन कौन ना द हिस्ट्री ऑफ इंडिया टेलीकॉम कैन बी स्टार्टेड विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीग्राफ। ताले इंडिया रे इंडियन टेलीकॉम टा स्टार्ट होती कौटू ना इंडिया रो टेलीग्राफ सिस्टम। ओके, द इंडियन पोस्टल एंड टेलीकॉम सेक्टर आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट। ताले एठू आसीगला गोटे क्वेश्चन डेवलप होगा ताले वर्ल्ड रो ओल्डेस्ट वर्ल्ड रो वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोस्टल एंड टेलीकॉम सेक्टर कौटकार अच्छी ना आम इंडिया रो केबे ना इन 1850 द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लाइन वाज स्टार्टेड बिटवीन कोलकाता एंड डायमंड हार्बर। ओके, सो डायमंड हार्बर एंड कोलकाता रे प्रथम थर करागला केबे 1850 मन रखिए पिले 1850 एक्सप्लेनेशन आनी आपं आपण मैंने मन रखिए कौटू कोलकाता एंड डायमंड हार्बर रु। ओके, 1850 रे एटा फर्स्ट टाइम बे करागला इन 1851 रे एटा ओपेंड कर देगला फॉर द यूज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ताको 1851 रे
ओपन कर दिगला कौन मानक यूज करने 1851 यूज करने ओके ताले एटू इम्पोर्टेंट कौन कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बेरू यूज कला 1851 एंड फर्स्ट कोलकाता एंड डायमंड हार्बर या भितर के 1850 जोटा कि प्रथम थर पर कराई ओके आउटा क्वेश्चन आंसर कौन 1953 ओके तो अगेन क्वेश्चन गोटे चेक कर ना क्वेश्चन कौन थी ना फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन बिटवीन कोलकाता एंड आगरा कोलकाता आगरा भितर केवल 1853 ओके सो हमारा ऑप्शन 2 हो गला करेक्ट ओके देन हमें जीवा देखिबा क्वेश्चन नंबर 3 ओके सो क्वेश्चन नंबर 3 कौन कहे देखा तेल कौन कहला क्वेश्चन देखा ना द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट नाहान इज पार्ट ऑफ व्हिच स्टेट नाउ तेरे नाहान जोटा गोटे प्रिंसली स्टेट थिला तले सेटा वर्तमान को स्टेटर गोटे पार्ट पंजाब हरियाणा उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश ओके तो देखिबा चलंतु आंसर कोन होची यारो तले यारो करेक्ट आंसर होला हिमाचल प्रदेश तले कोट करो होला हिमाचल प्रदेश ऑप्शन 4 हेगला करेक्ट आंसर ओके तले एक्सप्लेनेशन कोन कोची ना नाहान वर्तमान कोन ना नाहान इज ए टाउन इन हिमाचल प्रदेश इन इंडिया तले हिमाचल प्रदेश रो टाउन रो नाम होचे नाहान जोटा के आगरु कोन थिला गोटे प्रिंसली स्टेट थिला एंड इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ओके सो एटा जो हरियाणा सॉरी हिमाचल प्रदेश रे गोटे डिस्ट्रिक्ट अच्छे जहाँ नाम है सिरमौर तो सिरमौर ये कौन ना ये गोटे तार हेडक्वार्टर ओके तो ये गला कंप्लीट देन जीवा में देखिबा क्वेश्चन नंबर 4 ओके सो 4 नंबर क्वेश्चन कौन कौन देखिबा ना व्हिच टाउन और सिटी इन इंडिया हैज गॉट ए टावर व्हिच इज कॉल्ड मीनार ओके सो टावर नेम्ड आफ्टर द मोहम्मद अली जिन्ना ताले मोहम्मद अली जिना नाम रे गोटे टावर एंड किबा गोटे सॉरी गोटे टाउन और सिटी अच्छी जोठी की गोटे टावर बना जाइछि जहार नाम टा मोहम्मद अली जिना नाम रे रखा जाइछि ताले सेटा को सिटी रे किबा को टाउन रे अच्छी ओके सो क्वेश्चन कोन कोछि एमिति को सिटी किबा को टाउन रे मोहम्मद अली जिना नाम रे गोटे टावर किबा मीनार टा को रखा जाइछि ओके ताले ऑप्शन देखबा मुंबई अलीगढ़ कालीकट गुंटूर तले आंसर वो यार गुंटूर ओके तो चलंतु आंसर चेक करियो 4 नंबर आंसर कौन कहूँ देखते आंसर है गुंटूर तो गुंटूर रे कौन हो ना डिटेल देखियो एक्सप्लेनेशन तो एक्सप्लेनेशन कौन कहला वर्तमान टे देखीद ए टावर इन मेमोरी ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना मेमोरी रे जे कौन थे ना फादर ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान फादर ताको आम कहे स्टैंड एट महात्मा गांधी रोड इन गुंटूर इन आंध्र प्रदेश ओके ताले महात्मा गांधी रोड जोटा कि गुंटूर रे प्रेजेंट अच्छी तो आंध्र प्रदेश रो गुंटूर जगार महात्मा गांधी रोड जो अच्छी तो सेठी तांकर टावरटा प्रेजेंट अच्छी जोटा कि मोहम्मद अली जिन्ना को नाम रे बना जाइछ ओके देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 देखिबा कोन कहूछि ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गेव रिप्रेजेंटेशन टू द इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन लेजिस्लेशन ओके ताले को एक्ट रे इंडियंस मान को प्रथम थर पई लेजिस्लेशन रे तांकर माने किसी एक्ट को कहने पर निज को रिप्रेजेंट करने गोटे चान्स मिलता ओके रिप्रेजेंटेशन टू द इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन लेजिस्लेशन लेजिस्लेशन किसी कहनाक सुजोग मिलता अधिकार दिगला कौ एक्ट द्वारा दि जाइए ओके इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ताले कौटे थी चलत देखा 5 रो करेक्ट आंसर कौनटा है आंसर 5 रो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ओके तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 एंड आपको पाई बहुत जल्दी पॉलिटी रो क्लासेस भी स्टार्ट हो जीवो ओके बहुत जल्दी पॉलिटी क्लासेस भी स्टार्ट हो जीवो एंड कंप्यूटर क्लासेस तो ऑलरेडी चली मैथ क्लासेस भी स्टार्ट हो तो आप डेफिनेटली जाकि थोड़े थोड़े क्लास को चेक करें एक्सप्लेनेशन देखा कौन कौन द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कमनली नोन एज द मोर्ले मिंटो रिफॉर्म तेल इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 यार अदर नाम कौन मोर्ले मिंटो रिफॉर्म ओके तेल अदर नेम कौन है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म वाज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम दैट ब्रॉट अबाउट ए लिमिटेड इंक्रीज इन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियंस इन द गवर्नेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया ओके ताले लिमिटेड लिमिटेड माने किसी अल्प अमाउंट रे इनक्रीज कराई था कि इंडियन माने इन्वॉल्वमेंट तांकर देखै परिबे कोउटी ना ब्रिटिश गवर्नेंस रे ओके जोटा कि ब्रिटिश गवर्नेंस इंडिया जोटा थिला ताले सेथिरे से माने किसी अमाउंट रे इन्वॉल्वमेंट सो करि परिबे का द्वारा हितला एटा ना मोर्ले मिंटो रिफॉर्म द्वारा जहाँ को मैं कहूँ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ओके तेरे जीवा वर्तमान देखा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 कौन कहे क्वेश्चन नंबर 6 कौन कहे हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया वाह बढ़िया क्वेश्चन तेल ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया में क्या कहे ओके ग्रैंड ओल्ड मैन क्या कहे दादा भाई नारोजी गोपाल कृष्ण गोखले बाल गंगाधर तिलक सुरेंद्रनाथ बनर्जी तेल आंसर देखा 6 आंसर कौन कहे ना दादा भाई नारोजी दैट मीन्स आवर ऑप्शन 1 इज करेक्ट ताले क्या को हमें कहूँ
दादा भाई नारोजी। एक्सप्लेनेशन देखिबा कौन कहते हैं एक्सप्लेनेशन। दादा भाई नारोजी नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया वाज ए पारसी इंटेलेक्चुअल एडुकेटर। सी जो मैंने फरासी थे पारसीयन थे इंटेलेक्चुअल थे एडिटर थे कॉटन ट्रेडर जो तो सूता व्यवसाय से करते एंड एन ईयरली इंडियन पॉलिटिकल एंड सोशल लीडर। एंड इंडिया रो सी जने पॉलिटिकल एंड सोशल लीडर थिले किए ना दादा भाई नारोजी। चले ऑप्शन गला दादा भाई नारोजी को कौन कहा गला ना से कहला ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ओके ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। देन देखियो हमें क्वेश्चन नंबर सेवेन। सो क्वेश्चन नंबर सेवेन कौन कौन द फर्स्ट वायसराय ऑफ पोर्तुगीज इन ईस्ट वाज। तले ईस्ट एरिया रे पोर्तुगीज रो प्रथम वायसराय किए थिले। ओके अल्बुकर्क जो डे कैस्ट्रो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा किंबा न्यूनो डा कुन्हा। ओके सो किए थिले वर्तमान चलंतु ताले देखिबा ताले यारो आंसर हो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो ऑप्शन थ्री टा आपनकर करेक्ट होची। तो जेंति के मु कहितली कि ऑप्शन थ्री टा गला करेक्ट ताले ऑप्शन थ्री देखिबा कोन पई करेक्ट हला ताले किए हेले ना फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। एक्सप्लेनेशन कोन रहउची यारो देखिबा ना द पोर्तुगीज स्टेट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1905। ताले पोर्तुगीज मानकर स्टेट इंडिया रे केबेरु एस्टैब्लिश हला 1505 रे हला 1505 रे हला। ओके इज ए विसरोयल्टी ऑफ द किंगडम ऑफ पोर्तुगल 6 इयर्स आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सी रूट बिटवीन पोर्तुगल एंड इंडिया। ताले केते वर्ष पर हला 6 वर्ष पर 6 वर्ष पर हला कि माने 6 वर्ष आगर से कोन करथले सी रूट फाइंड करथले ना किए फाइंड करथले मते कमेंट रे आंसर कहबे कि सी रूटटा पोर्तुगीज रु इंडिया भितरे किए फाइंड आउट करथले। ओके टू सर्व एज द प्लेनिपोटेनरी गवर्निंग बॉडी। ताले ये कोन करथले ना प्लेनिपोटे शेरी गवर्निंग बॉडी ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ पोर्तुगीज फोर्स्टर्स एंड कॉलोनीज ओवरसीज। ओके ताले कौन है ना से माने तांकर मो सिंपल लैंग्वेज रे मो बुझी देउची कि पोर्तुगीज माने तांकर कॉलोनी डेवलप करिया पई एठी काहा को बनाइतिले ना ईस्ट रे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को गवर्नर हिसाब रे से माने एठी एस्टैब्लिश करथिले। केबे हेतला एटा ना 1905 अराउंड रे जते बेले पोर्तुगल तांकर किंगडम नेकेट को आसीले 6 वर्ष परे माने आसीबार 6 वर्ष पर 1905 रे जितले से स्थापना करते जितले ईस्ट पर्सन रे थिले किए ना फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ओके ताले जमती कि कौन कहते ना वायसराय किए थे ना वायसराय किए थे आमर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। सो ये गला कंप्लीट सेवेन कंप्लीट। देन आम देखा क्वेश्चन नंबर एट। सो क्वेश्चन नंबर एट देखा कौन कौन एट नंबर क्वेश्चन ना द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूर आसीपे। ओके सो कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। ताले इंडिया रे कम्युनल इलेक्टोरेट को प्रथम थर पई किए इंट्रोड्यूस करथिले। द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय कहा द्वारा इंट्रोड्यूस कराइथिला इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म 1909 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ओके तो ये देखते गोटे प्लस पॉइंट कौन कि आप सब इयर गुटा मन रहा मैंने इंडियान काउनसिल एक्ट 1892 रे आसला मॉर्ले मिंटो 1909 आसला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 आसला गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 आसला। ओके तो देखा यार आंसर कौन हो क्वेश्चन नंबर एट ताले ये कौन है ना मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 ये आसी। ओके ताले 1909 कौन कह इंडियान काउनसिल एक्ट ऑफ 1909 जहाँ को आम कमनली मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोली कहते ठीक अच्छे इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस करा जाइतला। इट प्रोवाइड दैट इंडियन मुस्लिम भी एलोटेड रिवर्स सीट इन म्युनिसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। ताले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रे मुस्लिम मानकर रिजर्व सीट रखी जाइतला। दैट मीन्स कौन करते माने जो भांगीबा नीति मानकर मैंने जो कम्युनल इलेक्टोरेट करिया माने कौन ना अलग अलग समस्त इलेक्शन टाक अलग 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 करवा ये कामटा ये मैंने ब्रिटिशर्स मैंने करुले। ओके तापर जी आम देखा क्वेश्चन नंबर नाइन। ओके सो क्वेश्चन नंबर नाइन कौन कौन देखा। सो नाइन नंबर क्वेश्चन कौन कहला ना द सिस्टम ऑफ डायर्की वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन। ताले वेरी वेरी इंपोर्टेंट डायर्की सिस्टम के आसाला द्वैत शासन डायर्की द्वैत शासन ना ताले के आसाला 1909 1935 1919 1945 चेक करवा यार आंसर कौन है 1919 ताले के डायर्की सिस्टम 1919 कहा द्वारा ना द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ताले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 डायरेक्ट सिस्टम आपणकर आसीतला कोर्ट को ना आमर इंडियन गवर्नमेंट को। ओके ताले एथिरे आपणकर इन सच प्रोविजन कंट्रोल ऑफ सम एरियाज ऑफ गवर्नमेंट द ट्रांसफर्ड लिस्ट
आ गोटे आपर प्रोविजनल लिस्ट थी तेल दुटा ट्रांसफर लिस्ट गोटे जोटा कि वे आर गिवेन टू द गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर्स एनसरेबल टू द प्रोविजनल काउंसिल गोटे ट्रांसफर लिस्ट थी गोटे रिजर्व लिस्ट थी आप दी प्रकार लिस्ट मन रखिए गोटे ट्रांसफर लिस्ट ये जो डायरेक्ट सिस्टम रे कौन हुए एक्चुअली ना ये आप गोटे ट्रांसफर्ड लिस्ट मन रखिए ट्रांसफर्ड लिस्ट आ गोटे थी आप रिजर्वड लिस्ट रिजर्वड लिस्ट ओके ताले ट्रांसफर लिस्टा एम किए थे गवर्नमेंट मिनिस्ट्री थी है गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री थी जी कि एनसरेबल होता क्या ना प्रोविजनल काउंसिल मन को एंड रिजर्व लिस्टा ओवरऑल हमें टोटल टाक चेक कराऊला तो ये आसी क्या द्वारा ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 अणा होता है डायरेक्टरी सिस्टम द्वैत शासन जहाँ को आम कौचे देन आम देखा क्वेश्चन नंबर 10 कौन कौचे ना द एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन वाज तेल यंग इंडिया एंड हरिजन तेल यार एडिटर मैंने रईटर किए थे किपाइना इंपोर्टाट बुक्स अथर भी अच्छी आमर सिलेबस एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन तेल यार एडिटर किए थे तेल देखा करेक्ट आंसर कौन कौन यार आंसर है महात्मा गांधी तेल किए लिखिंट यहाँ को महात्मा गांधी लिखिंट है महात्मा गांधी के विषय में ढेर सारा जिनस तो जाने तो बस ये जस्ट फैक्चुअल डाटा थी आमको जस्ट डाटा मन रखार था हरिजन यंग इंडिया किए लिखिं यहाँ को ना आम बुक नाम कौन थी हाँ यंग इंडिया एंड हरिजन तेल ये महात्मा गांधी ओके देखा क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी इंपोर्टेंट देश बंधु इज ए टाइटल ऑफ तेल देश बंधुर टाइटल क्या दिया जाइए बी आर आंबेदकर सी आर दास बी सी पाल रवींद्रनाथ टैगोर तेल देश बंधुर टाइटल क्या दिया जाइए क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर हम क्या ना सी आर दास दैट मीन्स आवर चित्तरंजन दास चित्तरंजन दास को कौन कहुच्छे देश बंधु बोली कहुच्छे ओके क्लीयर है यहाँ जावा देखा क्वेश्चन नंबर 12 आज लास्ट क्वेश्चन देन तापर मैं आपको गोटे होमवर्क देवी क्वेश्चन नंबर 12 कौन कौन ना द भूदान मूवमेंट जो आम भूमिदान मूवमेंट चली था तेल भूदान मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय तेल भूदान मूवमेंट को किए लॉन्च करते महात्मा गांधी जयप्रकाश नरनी विनोबा भावे राम मनोहर लोहिया तेल आपण डेफिनेटली आंसर कही पारे भूदान मूवमेंट किए करते ना विनोबा भावे ओके ताले किए करा विनोबा भावे करते ओके तेल भूदान मूवमेंट कौन थी ना वॉल्यूंटरी लैंड रिफॉर्म मूवमेंट चली था जो इंडिया रे क्या द्वारा ना आचार्य आचार्य विनोबा भावे द्वारा चलता केवे 1951 तेल मेन कथा है भूदान मूवमेंट बीएम भूदान मूवमेंट केवे आरंभ होता ना सर 1951 चली केमती थी यहाँ ना वॉल्यूंटरी लैंड रिफॉर्म मूवमेंट थी मैंने वॉल्यूंटरीली जी इच्छा हम वॉल्यूंटरीली आसिक पार्टिसिपेट करेंगे लैंड रिफॉर्म चली था से टाइम कौटी होता पचमपल्ली गाँव रही पचमपल्ली भिलेज जहाँ को नाउ नोन एज भूदान पचमपल्ली तेल पचमपल्ली भिलेज होता जार वर्तमान नाम हूँ भूदान पचमपल्ली तो यू तीन टाइम आंसर मिलेगा भूदान मूवमेंट किए करते विनोबा भावे करते के 1951 करते कौ जगार करते पचमपल्ली भिलेज करते पचमपल्ली भिलेज वर्तमान नाम कौन भूदान पचमपल्ली ओके तेल क्लीयर है इतक तक तापर यहाँ हूँ आप होमवर्क ओके सो डेफिनेटली आप यार आंसर कमेंट सेक्शन में कहे कि यार करेक्ट आंसर कौन हम दे जी भी फर्स्ट आंसर यार देखे मुझे नाम को मोर नेक्स्ट क्लास में फास्ट्रे इंट्रोड्यूस करी देन आम क्लास स्टार्ट करवा ओके तो देन डेफिनेटली आप यार आंसर मतलब कमेंट सेक्शन में जनवे एंड आप जब पीडीएफ पाइबे चाहते तो पीडीएफ आम टेलीग्राम ग्रुप प्रेजेंट अच्छी तो आपको टेलीग्राम ग्रुप लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया ओके तो देन ठीक अच्छे आज क्लास को एंड करवा देन अगेन देखा हम आप सहित मोर नेक्स्ट क्लास तो टिल देन थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।